इतना ठंडा पानी उन लोग का। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बबून वैली। बबून वैली के बारे में क्या बताऊं, कानों को हाथ लगा सकता हूं। आप समझ गए होंगे, बबून वैली का जो ट्रैक है ये वादी नीलम में कुंडल शाही से निकलता है। आप कुंडल शाही की तरफ से भी आ सकते हैं और केरन की तरफ से भी आ सकते हैं। और कानू को हार लगाने की वजह ये है कि मैं विलाग के स्टार्ट में बता दूं कि इसका जो ट्रैक है वो इंतहाई ऑफ रोड है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रैक किए हैं, रत्ती गली का, चिट्टागट्टा का, फेरी मेडोज़ का, दूसरे काफ़ी ट्रैक किए हैं शाही बाग के। पहले मैं उनको मुश्किल समझता था, लेकिन जो बबून का ट्रैक है उसका जोड़ नहीं है। इसकी ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एकदम से ऐसे ना ऐसे स्टीप चढ़ाई आती है। तो ये मैं सही बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई बाइक पे आना चाह रहा है तो वो ज़रा सोच समझ के आए। और जीप के साथ भी इसका रास्ता मुश्किल है, यही से अंदाज़ा लगा ले। मेरे साथ के सारे दोस्त वाकई में, मैं खुद भी डरे हुए थे कि रात को सोते हुए हम सबको कोई बुरे बुरे हाव भी आ रहे थे। तो ये हमारे साथ एक भाई हैं, कराची से भी आया, ये भी बाइक जो है वो जीप पे रख के लेके आया। ये पहले आए आधे रास्ते से, फिर ये वापस गए और इन्होंने जीप पे बाइक रखा। हमें इन्होंने मना किया, लेकिन हमने कहा जी हम बाइक ले आएंगे। अब हमारे बाइक के यहीं पे रास्ते में ही खड़े हैं। मसलन आधा ट्रैक भी हमने इंतहाई मुश्किल से किया, और हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था तकरीबन 2 बजे, और रात को 9 बजे हम बेस कैंप पर पहुँचे हैं 7 घंटों में। उस पर ज़रा इधर आना यार, ज़रा बताना ट्रैक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं बस इतना कहूँगा कि भाई बहुत मुश्किल है इधर आना। बाइक अपना तो बिल्कुल ना लेके आए, जीप पे आना तो आसानी से आ जाए, लेकिन जरूरत कोई नहीं इधर आने की। अकील साहब आए, अकील साहब, अकील साहब बताएं जरा ट्रैक के बारे में, सही बताना है लोगों को, गाइड कर। अस्सलाम वालेकुम, ये भाई हमें लेके आए थे, इन्होंने बोला कि बहुत आसान ट्रैक है, आप मेरे यार मुझे भी नहीं था पता, शाही बाग वाला ट्रैक कर चुके हैं उससे भी इजी है। पर जब इधर आए हैं ना, तो मैंने रास्ते में कानू को हाथ लगा दी है। सबसे पहले पीपी इनके लोव है, इनका लोव है, नहीं हुआ यार, इनका तरला किया है कि गाड़ी मंगवा ले, अब आगे नहीं जाने होगा। अच्छा, ये हमारे भाई हैं कराची से, आप भी जरा लाजमी ऑनेस्ट जो अपने रिव्यूज है बबून के ट्रैक के बारे में वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सबको, ओवरऑल सही है, सबसे टफेस्ट ट्रैक में शुमार होता है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप आए मोस्ट वेलकम, गाड़ी लेके आ सकते हैं, बाइक स्पेशली जो बोली जाती है। न्यू टॉप से टफ ट्रैक है ये, मैंने न्यू टॉप किया है रती गली भाई के साथ, जैसे भाई ने बताया रती गली ट्रैक सही है। पर ठीक है, इधर वेदर का पता नहीं चलता, अगर आप आ रहे हैं ऊपर और बारिश हो जाए तो आप समझ जाएंगे आप यूर लॉस देयर, क्योंकि इधर ट्रैक सारा कच्चा है और उसके बाद आपका जो है बाइक ऊपर नहीं चलता, बड़ी परेशानी होती है उसके ऊपर। चले ये बबून के ये जो मेडोज है ये तो खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह, ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट है ये, बड़ा खूबसूरत। आप सराउंडिंग्स देख सकते हैं, सराउंडिंग्स आपको दिखाते हैं। ये देखें, अभी बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से, इस मैदान को बादलों ने घेरा हुआ है। अगर यहाँ पे आप आते हैं आपको बेस कैंप मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप जीप पे आएँ 100%। और कभी भी कोशिश करें फैमिली के साथ यहाँ पे ना आए। 2 रास्ते लगते हैं, दोनों रास्ते टफ हैं, बहुत टफ है। अभी भी हम यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि बारिश हो गई है, तो बाइक जहाँ भी हमारे खड़े हैं वो नहीं जाएंगे नीचे, बहुत मुश्किल है। तो बाकी अभी जैसे जैसे बादल छटते हैं, थोड़े काम होते हैं, आपको मैं मैदान ज़रूर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह का किचन मिलेगा, और यहाँ पर इस तरह का किचन जो है वो किसी गनीमत से कम नहीं है। ये छोटी सी टॉक शॉप है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी खाने को कहेंगे वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। अरे अभी धुंध बड़ी हुई है, धुंध तो नहीं बादल हैं, लग कैसे रहा है कैमरे में धुंध है। अभी मैं आपको जैसे ही बादल कम होते हैं ना दिखाता हूँ सीन। ये इर्द गिर्द बहुत बड़े पहाड़ और मैदान है, लेकिन चारों तरफ इस वक्त जो है वो बादल जो हैं वो आ चुके हैं। ये बेस कैंप, ये जी हमारा नाश्ता हो रहा है अंडे और बाकरे के साथ। ये बाकरा जी पहाड़ी बाकरा, पहाड़ी बाकरा, अंडे आमलेट और सारा कुछ। नाश्ता करेंगे उसके बाद निकलते हैं बाहर और वापसी का सीन देखते हैं। वापसी के भी मैं कुछ ना कुछ शॉट्स बीच में ऐड करूंगा। लें जी, बादल जो हैं वो बबून से कुछ छाट चुके हैं,
वाओ ओए ओए ओ वाओ हा 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 मजा आ गया ओए। वो देखें जी एक छोटी सी लेक भी नजर आ रही है आपको, ये बबून के सीन आप देखें, ये पूरा जी भेड़ बकरियों का रेवड़ और हवातीन है जो इनको चरा रही हैं मैदानों में। बहुत मज़े के मैदान है, जितना मुश्किल इसका ट्रैक है उससे डबल ट्रिपल खूबसूरती है। ये अब हम सिग्नल्स की जो है वो तलाश में है कि कहाँ पे इस काम के सिग्नल आते हैं और थोड़ा सा काम चलाया जाए। अभी ये बादल हैं पीछे सारे, ये तो आपको यहाँ से मैं केरन सेक्टर भी दिखाता, ये पीछे इस साइड पे आगे सारे बादल हैं। बादलों के बगैर पहले मैंने आपको सीन दिखाया वो बड़े मज़े का था। इस बेस कैंप से निकल के तो ऊपर वाली बेस कैंप पे जा रहे हैं, वहाँ से जो है जीप आएगी, अगर तो रोड ठीक हुआ तो जीप पे थोड़ा नीचे जाएंगे, ना हुआ तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। ये देखें जी सामान उठाया हुआ है, बाइक वाला भी एक बैग डाला हुआ है, ये देखें जी, और कुछ लोग वो हमारे दोस्त जा रहे हैं। ये टूर्स लोगों के लिए व्लॉग बनाना आसान नहीं है, ये करना पड़ता है सारा कुछ, और अभी पता नहीं कितनी ट्रैकिंग है। अभी 1 बजे और हम शाम को 6-7 बजे नीचे पहुंचेंगे। ये जी बाइक आया हुआ है यहाँ पे बबून पे, लेकिन ये जीप पे बाइक रख के लेके आए हैं, और ये अभी बादल उड़ रहे हैं मैदानों के अंदर ऐसे जैसे परिंदे आहिस्ता आहिस्ता रोमांस कर रहे हों इन मैदानों के साथ। दूर तक फैले मैदान, और इस साइड पे ये ग्लेशियर है, ये सार है, और यहाँ पे लोग इंजॉय करते हुए ग्लेशियर्स के साथ। इन ग्लेशियर्स को हमने क्रॉस करके आगे जाना है, आगे रोड बना हुआ है, ऊपर से वाटर फ्लोइंग भी है, आला सीन है जी। ये जी ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ता है और फिर आपको ट्रैक मिलता है आगे, और ये बाइक भी ग्लेशियर से ही आने लगा। ये देखें ये ऊपर जाके ऊपर वाले बेस कैंप पे बाइक को लोड करेंगे इंशाल्लाह जीप पे। अगर ले जाए तो बड़ी मेहरबानी भाई जान, बहुत शुक्रिया। ये जी वाह पानी आला है ग्लेशियर से, और हम थोड़ा सा एक आध घूंट पीने लगे हैं ताकि जब हमने आगे ट्रैक करना है तो हमारे लिए आसानी हो सके। ये थोड़ी सी आए, ये धूप भी निकली है जी थोड़ी सी आए। जागरा वाली साइड से जब आप बबून आते हैं तो ये पहली बेस कैंप है, और ये इस वक्त इसकी जो एलिवेशन है वो तकरीबन 3900 मीटर है, 3900 मीटर है, और आगे जो दूसरी बेस कैंप है यहाँ पे ये बादल पूरी बबून वैली पे छाए हुए हैं, लेकिन आप यही से अंदाज़ा लगा लेंगे वो जो कैंप है ना जो केरन वाली साइड से आता है वो तकरीबन यहाँ से 800 मीटर नीचे आपने उतरना है। और हम उस कैंप में जाके ठहरे हुए थे, आए जागरण वाली साइड से थे लेकिन स्टे किया जाके केरन वाली साइड से जो कैंप आते हैं, तो वहाँ से स्टे करके रात को, और अभी सुबह वो दोबारा से ऊपर चढ़ के तो यहाँ पे आए हैं, और अभी यहाँ से आगे हम नीचे उतरेंगे जागरण वाली साइड पे। ये ग्लेशियर है, ये जी वो ग्लेशियर की वजह से रास्ता बंद है, यहाँ तक जीप आ रही हैं, अभी हम जीप में सामान रख रहे हैं और सामान रखते ही हम आगे निकल जाएंगे नीचे जिधर तक बाइक्स हमारी खड़ी हैं। ये हमने जीप पे अपना सफ़र शुरू कर दिया है, और वो जो भाई आए हुए थे कराची से अब्दुल मुनीफ उनका नाम है,
और उनके पास 450 cc बाइक है, चूँकि जाते हुए डलवान है तो बाइक का जोर कम लगेगा, लेकिन नीचे उतारना गाड़ी और बाइक को ज़्यादा मुश्किल होता है। बस ये है कि जोर कम लगता है, तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, वो भी अगर नज़र आते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कैप्चर करता हूँ। मैं इस व्लॉग में दोबारा से ये बात आपसे शेयर करूँगा और आपको ये मशवरा भी दूँगा, बल्कि इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि मैं एक टूरिस्ट हूँ, बाइकर हूँ, तो आप कभी भी बबून वैली आएँ तो कभी बाइक ऊपर लेके ना आएँ। अगर आपको ये शौक़ है कि हम बबून में बाइक चलाएंगे, तो फिर जीप में बाइक रखवा के लेके आएँ। अब देखें, अल्लाह ने हमारे साथ ये मदद की, अल्लाह ने, कि एक तो हमारे पास इस काम की सिम थी और दूसरा एक जीप जो है ऊपर बबून पहुँची हुई थी। हमने क्या किया, फिर कॉल की, और कॉल करने के बाद जीप वाले से कहा यार हमें नीचे आके ले जाओ। हमने क्या किया, रास्ते में ही बाइक पार्क किए हुए हैं, रास्ते में कहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पे। अभी पहुँचते हैं बाइक के पास तो आपको दिखाते हैं। और फिर जीप वाला हमें ऊपर लेके गया, और फिर हमें जीप तो भी जिधर जा रही थी उससे आगे मज़ीद 2 घंटे हम पैदल चल के तो बेस कैंप तक रात को 9 बजे पहुँचे। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतरने के भी मैं मनाजर दिखा रहा हूँ साथ साथ आपको कि जीप में क्या हालात हैं। फिर ये देखें, आप देखें जीप ऊपर से कितनी नीचे झुकी हुई है, और ये अगर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ जाए खुदा ना हास्ता, तो ये नहीं होगा कि आपकी पावर, बाइक में बहुत पावर है तो वो चढ़ेगी नहीं, चढ़ेगी आप, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है यहाँ पे। बताए ना जो हमारे साथ बाइक है दूसरा, ठीक है, 450 cc वाले का बता रहा हूँ, वो नहीं चढ़ी बाइक, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, इवन यहाँ पे माचिस नहीं जलती इतनी आसानी से, ना लाइटर जलता है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ज़रूर एडवेंचर करें, टूर करें, ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें, लेकिन बाइक ना लेके आएं, जीप के साथ भी आएं तो मौसम को देख के आएं। ये आप कुछ मैदान ये देखें क्लियर होना शुरू हुए हैं, और वो हमारा जो 450 cc बाइक जीप पे आया था ना, वो देखे, अगर मेरा कैमरा दिखा रहा है तो वो नीचे जा रहा है। ये जी सामने हमारे बाइक खड़े हैं तीनों, और हमने एक जो गलती की वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप ना कीजिएगा अगर आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आया आपकी ज़िंदगी में। हमने क्या किया, बेवकूफ़ी, नाले के बिल्कुल सामने खड़ी करके चले गए हैं तीनों बाइक्स। ये ऊपर से, मतलब जब बारिशें होती हैं ना तो ये ऊपर से पानी आता है, और खुदा का शुक्र है बारिश हुई है, लेकिन कम हुई है, तो अगर बारिश ज़्यादा होती तो नाले के पानी की वजह से बाइक्स जो थे वो गिर सकते थे। ये बाइक्स हैं खड़े, ये ऊपर नाला है। अभी हम बाइक्स पे आगे जाएंगे और जीप आगे नीचे जाएगी, बाकी रास्ता मैं आपको अब बाइक पे दिखाता हूँ। जीप के सफ़र के बाद अल्लाह ताला का नाम लेकर मैंने बाइक का सफ़र शुरू कर दिया है। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है रास्ता कितना पथरीला और सख्त है। यहाँ से अब हमने नीचे उतर के शाल गाँव तक जाना है। अल्लाह पाक हमें हर हरिए से ले जाए नीचे, इसको किनारे पे करते हैं बाइक को, क्योंकि दरमियान में रास्ता खराब है, किनारे पे ठीक है। वाह माशाल्लाह, अब हम बिल्कुल घने जंगल के अंदर आ गए हैं, ठीक फॉरेस्ट है यहाँ से रास्ता। ये देखें, ये मैं फिसलन आपको कह रहा था, कीचड़ नज़र आ रहा होगा आपको, इस कीचड़ पे ना गाड़ी भी हो बाइक भी हो वो ज़्यादा फिसलता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी थोड़ा रास्ता जो है वो सख्त है, क्योंकि बारिश सुबह हुई थी तो अभी जो है रास्ता जो है मिट्टी जो है सख्त हो गई है। ये है जी मुश्किल रास्ता, क्योंकि यहाँ से कच्चा है ना, तो कच्चे से फिसलता है बाइक और गाड़ी। तो अभी मैं टेक्निक ये बना रहा हूँ कि बाइक को बंद किया हुआ है, गियर में डाला हुआ है बाइक को, और क्लच को ऐसा ऐसा छोड़ता जा रहा हूँ ताकि बाइक कंट्रोल में रहे।
ये पेट्रोल बचाने के लिए मैंने नहीं बंद किया हुआ बाइक को, बल्कि ये है कि यहाँ पे क्लच जो है ना उसको दबाना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, तो उसका बाइक ऑन हो तो वो मेरे तजुर्बे के मुताबिक ज़्यादा मसला क्रिएट करेगा। अभी मैं बस क्लच को ऐसे ऐसे छोड़ता जा रहा हूँ और काम जो है वो बनता जा रहा है। थोड़ा सा ठीक है, बाइक स्टार्ट किया है, अब आगे फिर ये है। अस्सलाम वालेकुम जी, बबून जा रहे हैं जी। ये अपना सामान है या पीछे कोई टूरिस्ट आ रहे हैं? टूरिस्ट का सामान है जी। ठीक है, तो कितने पैसे लेते हैं आप पोर्टर सामान उठाने का? उठाने का ये जगह के मुताबिक से होता है। आप कितना ले रहे हैं ऊपर बबून जाने का? ये बबून नहीं, हम इनके साथ आए हैं, भाग लेना गली से इनके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिन परवट 2500 एक बेहतर का एक का। तो कितने दिन हो गए आपको इनके साथ? हमको हो गए आज 23 दिन 23 दिन हो गए। तो कितने बंदे हैं आपके साथ? 10-11 बंदे, वो भी सफर में होते हैं इसी तरह, पैदल भी हमारी तरह। ठीक हो गए, ठीक हो गए, चले। ये देखें जी, बच्चे भी हैं इनके साथ, इन टूरिस्ट के साथ, और इन्होंने भी ट्रैक करना है जी। किनवा किनवा तकरीबन आपको कोई 6-7 किलोमीटर लग जाएगा लाजमी। हाँ नहीं नहीं, घंटे से ज़्यादा लगेगा, चढ़ाई है बहुत ज़्यादा स्टीप। आप भी ट्रैक कर रही हो? नहीं जी, बच्चे भी ट्रैक कर रहे हैं। आप रोड को देख के कुछ लोग तो हैरान हो रहे होंगे, कुछ डर रहे होंगे, और जो एडवेंचर करने वाले लोग हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, और थोड़ा सा जारी बात है दिल में डर भी होता है। ये नहीं कि मैं कोई बिल्कुल भी नहीं डरता। रास्ते जिस तरीके के आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पूरे जिस्म का इम्तिहान होता है, कंधों का, आपके लेग्स का, लेग्स ने भी साथ साथ कंट्रोल भी करना होता है। लेग्स कभी ब्रेक का काम करती हैं और कभी फोर्स लगाती हैं जब आपने ऊपर जाना हो। अरे शुक्र है जी, डलवान उतर आए हैं। अब ये देखें, आपको नाला भी नज़र आ रहा है यहाँ से, कितना खूबसूरत नाला है। ये जी शाल का बहुत ही खूबसूरत गांव है, जो जागरा वैली, नीलम वैली आज़ाद कश्मीर के अंदर है। मतलब आज़ाद कश्मीर के अंदर नीलम वैली है और नीलम वैली के अंदर जागरा वैली, और उसका ये बहुत खूबसूरत शाल गांव है। ये बच्चे अपने घरों की छतों पे चढ़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत है जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई फंक्शन है, डेगे वगैरह पक रही हैं। यहाँ से आप पूरी जागरा वैली का जो है वो व्यू नज़र आ रहा है। ये जी शाल गांव के अंदर छोटा सा ब्रिज है जो गांव के दोनों हिस्सों को आपस में मिलाता है। इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी आपकी, आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ तक आएगी। ये गाड़ियाँ आपको खड़ी नज़र आ रही हैं यहाँ तक। हाँ जी, तो मैं तकरीबन 6000 फीट जो है वो बबून वैली से नीचे उतर के इस वक्त शाल गांव, जो कि जागरा वैली का हिस्सा है, मैंने पहले भी बताया, वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। नो डाउट बहुत ही टफ ऑफ रोड था, लेकिन बबून जो है वो खूबसूरत भी है
अगर आपने बबून जाना है, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा इसी विलाग में आपको कहा है कि बाइक मत लेके जाएं, बाइक का भी बेड़ा गर्क होगा आपका भी और टूर भी ख़राब होगा। आप जीप लेके शालगांव से जीप मिल जाएगी, 2023 जुलाई में तकरीबन 8,000 रुपये उसका रेंट ले रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने आपको तकरीबन कोशिश किया है हर चीज़ कैप्चर की इस विलाग में। अगर आपको ये विलाग पसंद आए तो मुझे क्रेडिट देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले विलाग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।